जैन साथियों, मैं आज आपके YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 29 शिक्षक भर्ती के बारे में। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी, मेरे पर्सनल मेरे SMS भी आ रही थी कि कौन सी मेरिट वालों के लिए कौन से ज़िले अच्छे रहेंगे जो कि कम मेरिट पर हैं। और उन्होंने अपनी मेरिट भी मेरे पास शेयर भी की थी कि सर मेरी इतनी मेरिट है और कौन सा ज़िला ऐसा मेरे लिए बेस्ट रहेगा जो ऑप्शन के लिए रहेगा। तो पूरी जानकारी मैंने 10 ऐसे ज़िले आपको बताए हैं, वो भी आपको ऐसे 10 ज़िले बताएं, अगर आप उस ज़िलों में सिलेक्टेड अपना फॉर्म डालते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो कम क्रमांक वाले ये ज़िले भरें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कैरियर के लिए भी। और जो नए कैंडिडेट हैं जो कि इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता में साथ देने के लिए हमारा चैनल हर वक्त आपको अपडेट करता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट हो चुका है आपका टॉपिक जनरल की। अभी वैकेंसी बात करें तो जनरल की पहले भी मैं बता चुका हूँ, जनरल की जो हमारी वैकेंसी है वो है 36,614 और OBC की आपकी है 84,868। इसके बाद SC की बात करें तो 24,308 इसकी वैकेंसी, ST की इसमें 270 वैकेंसी है। उपरोक्त तो आपकी वैकेंसी आपकी होती है 69,000 टोटल आपकी वैकेंसी है जिसमें सिलेक्शन होने हैं। तो आगे बात करना चाहूँगा जिसमें सफल कैंडिडेट आपको पता होगा 1,46,060 लोगों को यहाँ पर सफल गया, एक सीट पर कम से कम दो लोगों का, दो अभ्यर्थी एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन में है, डबल यहाँ पर एक डबल ही मान के चलिएगा, एक लगभग डबल ही यहाँ पर पास हुए हैं कैंडिडेट, जिससे कि दिक्कत बनी है सबसे ज़्यादा गुणांक की, कि किसका गुणांक कितना होगा और कौन सी ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट अपने सिलेक्ट करे जिससे कि उनको कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पर बात करते हैं। तो 29 शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश के सबसे कम मेरिट वाले ज़िले मैं आपको बताऊंगा, नंबर वन पे मैंने रखा है अपना महाराजगंज। महाराजगंज में अगर आपके 60 प्लस भी नंबर हैं, अगर आप 60 भी हैं तो आप वहां डाल सकते हैं, आपका गुणांक अगर 60 भी है, SC में है आप, और अगर OBC में आप 62 प्लस भी हैं तो OBC में अगर आप 62 प्लस भी हैं तो आप महाराजगंज आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप महाराजगंज में डाल सकते हैं। बहराइच सेकंड नंबर पे रखा है मैंने, बहराइच पर भी आप सेम कंडीशन अपना सकते हैं। थर्ड नंबर पर गोंडा और चौथे नंबर पर सोनभद्र। सोनभद्र और गोंडा में आप 63 प्लस कर सकते हैं, 63 प्लस और 62 प्लस यहाँ पर आप कर सकते हैं SC के लिए, और 63 प्लस OBC के लिए कर सकते हैं। इसमें हम मेंशन करेंगे अगर आप अपनी फीमेल की बात करें तो फीमेल 61 भी कर सकते हैं, 61 प्लस OBC के लिए भी बिल्कुल सोनभद्र और बहराइच यहाँ पर बढ़िया रहेंगे और गोंडा, ठीक है। नेक्स्ट सीतापुर, सीतापुर आ गया आपका, उसके सीतापुर के बाद बलरामपुर है, लखीमपुर खीरी है, उसके बाद बदायूं जो कि आपके नज़दीक भी पड़ेगा अगर आप अलीगढ़ आगरा और यहाँ पर मंडलों से बात कर रहे हैं, आप अगर अलीगढ़ इससे फॉर्म फिल किए हैं तो आपके लिए बदायूं भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, यहाँ भी कम जाती है। पीलीभीत भी बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो, और लास्ट में मैंने श्रावस्ती को रखा है। श्रावस्ती ये 10 हमारे ऐसे आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट बताएं जिसमें आप अगर अपना फॉर्म फिल करते हैं तो अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट भरते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, चाहे आपका कम गुणांक बनता हो, एक निश्चित आपको एक 60 प्लस भी होंगे तो आपको एक आस रहेगी कि इन अगर सेंटरों पे आप यहाँ पर इन ज़िलों में अगर आपने फॉर्म फिल करते हैं, अगर इन ज़िलों में अपने फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट को चयन करते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, एक चांस आपका क्रिएट हो जाएगा जिससे कि आपको एक चांस मिल सकता है, क्योंकि मेरिट यहाँ कई कई बार खाली भी रह जाती है, कई कई बार सीट खाली रह जाती है, तो आपका मौका बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो मैंने 10 डिस्ट्रिक्ट आपको बताई हैं उसमें से आप सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्ट कीजिएगा, अच्छे मार्क्स हैं तो थोड़ा और लो जो लास्ट में बदायूं पीलीभीत पास में जो है उसको ले सकते हैं जो कि आपके कम मेरिट पर जाती है, तो बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। अपना गुणांक अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा या गुणांक कितना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, गुणांक के संबंधित कोई भी दिक्कत रहेगी हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा वीडियो में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको यहाँ से पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।